सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hello students, welcome back to the series of Legal Compendium, and in this video we will be covering the legal developments that have happened in the month of August 2024. तो जो पहली legal development है उसको देख लेते हैं। It is regarding the Assam Muslim Marriage Bill जो कि अभी recently pass हुआ। अब इसके लिए major क्या reason था pass होने का, कि जो existing law था वो कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिजेस को प्रमोट कर रहा था। कुछ और चीज़ें भी थी जो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अराउंड 126 मेंबर्स ने फाइनली ये बिल पास कर दिया है, जिसमें कि क्या होता है कि जितनी भी मुस्लिम मैरिजेस है एंड डाइवोर्सेस है वो सब कुछ की रजिस्ट्रेशन अब कंपल्सरी हो गई है अंडर दी गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो नया लॉ निकलेगा उसका नाम है आसाम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम्स मैरिज एंड डाइवोर्स बिल, ठीक है। ये बेसिकली क्यों लाया गया, क्योंकि ये प्रिवेंट कर रहा है चाइल्ड मैरिजेस को, मैरिजेस जिसमें कि कंसेंट ऑफ द पार्टीज नहीं होती है। अब क्लियरली अगर जिनकी शादी हो रही वो है ही बच्चे, तो वैसे तो वो केपेबल ही नहीं है एक तरीके से कंसेंट देने के लिए। बट अभी हम क्या बात कर रहे हैं, मुस्लिम लॉ की, तो मुस्लिम लॉ के अंडर कुछ चीज़ें अलग हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द हिंदू लॉ। तो यहाँ पर ये बिल जो पास किया वो क्यों किया है, क्योंकि वो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रिवेंट करना चाहते हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिजेस, मैरिजेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज एंड पॉलीगैमी को भी प्रिवेंट करने के लिए। अब इस बिल ने जो एग्जिस्टिंग 89 ईयर ओल्ड एक्ट था उसको रिपील किया, ठीक है। अब पुराने लॉ में क्या चीज़ें थीं और अभी न्यू लॉ में क्या, इस बिल में क्या क्या प्रपोज किया गया है, हम आगे ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो अर्लियर आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट था वो 1935 का था, तो क्लियरली वो ब्रिटिश के टाइम का एक्ट था, पहली चीज। दूसरा कि वो लॉ ऑथराइज करता था किसी भी इंसान को कि वो इस मैरिज को रजिस्टर कर सकता है, जितनी भी मुस्लिम मैरिजेस होंगी एंड डाइवोर्स होंगे। कौन इन सबको रजिस्टर करता था, जो भी काजीज होते थे। अराउंड 95 सच मुस्लिम रजिस्ट्रार्स थे जिनको काजी बोलते थे, वही लोग जितनी भी मुस्लिम मैरिजेस और डाइवोर्स थे आसाम के अंडर उसको रजिस्टर करते थे। प्लीज़ मेक श्योर कि ये जो भी है ये स्टेट लेवल है, वी आर टॉकिंग अबाउट असम ओनली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट होल इंडिया, ओके। तो ये एक चीज़ देख लेते हैं। अब एक और रीज़न थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये एक्ट रिपील हुआ क्यों, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब इसको थोड़ा लीगली भी देखते हैं, जैसे कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये था कि ये जो था रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस अलाउ कर रहा था माइनर्स के बीच में, यानी कि ऑब्वियसली चाइल्ड मैरिज प्रमोट कर रहा था। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। जो प्रीवियस एक्ट था 1935 का, उसका सेक्शन 8 बोलता था, क्या बोलता था, इट प्रोवाइडेड दैट इफ द ब्राइड एंड ग्रूम और बोथ बी माइनर्स, एप्लीकेशन शैल बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ देयर लॉफुल गार्जियन। यानी कि अगर दो बच्चे हैं जिनकी शादी हो रही है, क्लियरली जो माइनर्स है अब वो नहीं है केपेबल कंसेंट देने को, तो उस केस में गार्जियंस को वो राइट दिया जा रहा है कि आप एप्लीकेशन फाइल करो, विच मीन्स इन अ वे आप अभी भी चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे हो। तो वन ऑफ द मेजर रीजन कि इस एक्ट को रिपील करना पड़ा और ये नया बिल पास हुआ वो यही था कि चाइल्ड मैरिज और फर्दर प्रमोट ना हो। अभी आगे इस न्यू बिल में इन लोगों ने क्या क्या प्रपोज किया, क्या क्या चेंजेस लाए, हम वो देखते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं आज की वीडियो में। तो पहली चीज है अगेन एज रिक्वायरमेंट। अब जहां पे तुम ये एज का क्राइटेरिया लगा दोगे, एक एज की रिक्वायरमेंट सेट कर दोगे, जहां पे आप माइनर को अलाउ ही नहीं कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग कि वो
वहाँ पे मैरिज कर सके, तो क्लियरली आप रजिस्टर भी नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ इस एक क्राइटेरिया के थ्रू उन्होंने चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने की यहाँ से स्टार्ट की है। ठीक है, तो मिनिमम एज फॉर अ वुमेन टू मैरी इज 18 एंड फॉर अ मैन टू मैरी इज 21, जैसे कि अपने हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग होता है। अब जो कंसेंट की बात आती है, कंसेंट अभी तक क्या था, हम क्यों, हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि हम प्रिवेंट क्यों कर, क्या करना चाह रहे हैं कि भाई जहाँ पे दोनों पार्टीज की कंसेंट ना हो, हम उन शादियों को भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज की फ्री कंसेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है एज पर द न्यू बिल दैट हैज बीन पास्ड। ओके, अब फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट बेसिकली ये होता है कि अगर मैं आपको डरा धमका के आपसे रजामंदी ले लूं, मैं आपसे कंसेंट एक्वायर कर लूं ये बोल के कि आपको डरा के बंदूक की नोक पे कि नहीं भाई तुम्हें तो हाँ करनी पड़ेगी शादी के लिए, तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। अगर आप इंटॉक्सिकेटेड हो, अगर आप अनसाउंड माइंड के हो और उस ड्यूरेशन में आपसे कंसेंट एक्वायर की जाए, तो आप बिल्कुल भी वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है। ठीक है, अब और कितने क्राइटेरियाज और क्या क्या नई चीज़ें उन्होंने लाई हैं, जैसे कि नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि वन ऑफ द मेजर रीजन लाइक आई सेड इज कि हमको चाइल्ड मैरिजेस को कहीं ना कहीं यहाँ पर रोकना है, इसीलिए ये न्यू बिल आया है ना, तो उसके लिए भी हमको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स किसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे? रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को। तो अभी तक क्या था, जो पुराना लॉ था 1835 का, उसके अकॉर्डिंग तो यही था कि हाँ चलो हमारे काजीज जो हैं वो रजिस्टर करेंगे, जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी, जितनी भी शादियां होंगी, जितनी भी डाइवोर्स होंगे मुस्लिम लॉ के अंडर, वो काजीज देख रहे हैं। अब जब ये न्यू बिल पास हो चुका है तो इसके लिए एक न्यू पोस्ट बनाई गई है, दैट इज रजिस्ट्रिंग ऑफिसर। तो अब यही सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यही शादी को रजिस्टर करेंगे, डाइवोर्स को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, और अभी डॉक्यूमेंट्स इन्हीं को सबमिट होगा और वही अब उनकी आइडेंटिटी, एज, रेजिडेंस सब कुछ वेरीफाई करेंगे। वो सब वेरीफाई होगा उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन होगी। तो जो रजिस्ट्रेशन है, लाइक आई सेड यहाँ पे रजिस्ट्रार अब अपॉइंट हो चुका है, तो वो ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेगा डाइवोर्स के लिए भी और मैरिजेस के लिए भी। उसके बाद पब्लिक नोटिस इनको देना पड़ेगा। अब इन सब के बाद भी हम तो हम हैं, कुछ ना कुछ घपलेबाजी करेंगे। इन केस हम इन सब चीज़ों को कंप्लाई नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? तो उसके लिए पेनल्टी भी है इस लॉ के अंडर। क्या पनिशमेंट है वो देखो, तो उसके लिए एटलीस्ट 1 साल तक की जेल होगी और फाइन होगा 50,000 रुपीज का। सो ये सब बेसिक मेजर की चेंजेस थे जो इस बिल के थ्रू इम्प्लीमेंट होंगे। अब हम अपना दूसरा जो लीगल डेवलपमेंट है उसको देख लेते हैं। अगेन लाइक आई एम सेइंग, आज की वीडियोस में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स है, तो इसको हम देखते हैं। तो अभी जो हम सेकेंड चीज देखने वाले हैं, दैट इज हेमा कमिटी रिपोर्ट, जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सो 2017 में एक काफ़ी लीडिंग एक्ट्रेस थी जिनको अबडक्ट किया गया एंड उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। एंड नॉट जस्ट दैट, वो सेक्सुअल असॉल्ट फिल्म भी किया गया सो दैट इसको ब्लैकमेल किया जाए। ठीक है, लेटर ऑन इस इंसिडेंट ने लाइमलाइट गेन करी। अब इतना सब कुछ हो रहा है, मी टू मूवमेंट, एवरीथिंग, उसके इस के लाइमलाइट में आते ही विमेन सिनेमा कलेक्टिव एक एनजीओ टाइप का कुछ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ जो कि वेलफेयर और इन सब चीजों के लिए देखता है, और उन्होंने इस चीज के कारण एक पेटिशन डाली सीएम को एंड डिमांड किया कि इंक्वायरी हो इस इश्यू पर कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री में चल क्या रहा है।
ठीक है, अब इतना प्रेशर पड़ा स्टेट गवर्नमेंट पे, तो एक कमेटी इन लोगों ने बिठाई, ठीक है। उस कमेटी की फाइंडिंग्स क्या थी, उस कमेटी का चेयरपर्सन कौन था, कौन हेड कर रहा था, उसके बाद क्या चीजें हुई हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, इन जुलाई 2017 स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म करी, ठीक है, जो कि केरला हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज थी जस्टिस के हीमा, ठीक है, इसीलिए इस कमेटी का नाम, इस रिपोर्ट का नाम हेमा कमेटी रिपोर्ट है, ठीक है। उन्होंने ये मैटर देखा, वो हेड कर रही थी। इन द एंड जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब कुछ हुआ, पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ, इन द एंड एक 300 पेज अराउंड कि एक रिपोर्ट सबमिट हुई है सीएम को इन दिसंबर 2019, जिसमें कि जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, एविडेंसेस थे, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो या वीडियो फॉर्म में हो, प्रॉपर तरीके से कंपाइल होके उनके पास गई, ठीक है। फिर जो कमीशन था, उन्होंने ये बोला अपनी रिपोर्ट में कि हाँ, यहाँ कास्टिंग काउच की प्रॉब्लम है, अल्कोहल एंड ड्रग्स भी यहाँ वाइडली यूज होते हैं फिल्म सेट पे, ठीक। उसके बाद अब कितनी भी यहाँ पे WCC, जो मैंने बताया कि ये सब रिपोर्ट, ये इशू के लाइमलाइट में आने के बाद एक कमेटी, एक ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ फॉर्म हुई थी WCC, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि जो कंटेंट्स थे रिपोर्ट के, जो इंफॉर्मेशन थी, वो रिपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए हमें, हमें पता होना चाहिए कि उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें फाइंड हुई, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जितने भी लोगों ने आके वहाँ टेस्टिफाई किया होगा, ठीक है, जितने भी लोगों ने आके ये सारी चीज़ें बोली होंगी, उनके लिए ये इश्यू ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उन्होंने आके, सामने आके चीज़ें बोली हैं, कुछ लोगों के अगेंस्ट चीज़ें निकली हैं, तो दे वॉन्टेड टू कीप दिस कॉन्फिडेंशियल। इसीलिए ये रिपोर्ट जो थी वो सबमिट नहीं, सबमिट इन द सेंस वो रिपोर्ट की डिटेल्स आने नहीं दी पब्लिक डोमेन में, ठीक है। आगे क्या हुआ हम ये भी देख लेते हैं। अब बहुत सारा प्रेशर बना, ठीक है, WCC का और बाकी इसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में। अब ये हमको पता ही है कि जैसे ही कोई चीज़ लाइमलाइट में आए एंड हम उस चीज़ के अगेंस्ट फाइट करना चाहेंगे, तो उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं, राइट। तो सेम हुआ यहाँ पे भी इस केस में। तो यहाँ और ऑर्गेनाइजेशंस एंड सब ने मिल के स्टेट गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर क्रिएट किया, तो फिर एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन था, उन्होंने ये बोला कि ठीक है, आप अगर कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, जो कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कहीं ना कहीं लोगों के लिए उनकी सिक्योरिटी हैम्पर कर रहा है, आप उतनी पार्ट उस इंफॉर्मेशन में से हटा दीजिए, बट जो रिमेनिंग पार्ट है एटलीस्ट उसको अवेलेबल कीजिए फॉर द पब्लिक टू सी, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, बट इससे पहले कि ये रिपोर्ट रिलीज हो पाती, जो कि ऑर्डर यहाँ पे केरला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने दिया था, उससे पहले ही इस पे स्टे लगा दिया गया केरला हाई कोर्ट की तरफ से। एंड फिर से रीज़न वही था कि प्राइवेसी जो है वो इन्फ्रिंज हो जाएगी। फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर निकलने के बाद रिपोर्ट फाइनली रिलीज करी गई, प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल्स को मद्देनजर रखते हुए। तो ठीक है, जैसा कि स्टेट केरला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि हाँ, आप इतनी इंफॉर्मेशन दो जितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, और वो इंफॉर्मेशन वहाँ से हटा दीजिए जो कि किसी की भी प्राइवेसी को वायलेट कर रही है। तो उसके उसी तरीके से रिपोर्ट निकाली गई। अब रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स थी, इसमें आगे हमको वो देखना है, ठीक है। तो फाइंडिंग में ये पता लगा कि यस, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा था यहाँ पर, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा था, अनवांटेड फिजिकल फेवर्स मांगे जा रहे थे, कास्टिंग काउच की प्रॉब्लम थी, यानी कि सेक्सुअल फेवर्स मांगना फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज,
जो कि विमेन के लिए काफ़ी अनसेफ एंड अनफेयर है एट द सेम टाइम. इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ थी, जो फीमेल आर्टिस्ट थे वो यूजुअली पानी पीना अवॉइड करते थे बिकॉज प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं थे, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था वहाँ पे सब कुछ. एंड आउटडोर लोकेशंस में आप एज अ फीमेल कहाँ पर ही जा पाओगे. उसके बाद इनह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस थी, जो जूनियर आर्टिस्ट थे मिनिमम उनको पैसा मिलता था. इनफैक्ट 19 आवर्स तक की उनकी शिफ्ट होती थी. दे वर ओवरवर्कड एंड अंडर पेड. लाइक तो ये मेजर फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट में हमें मिली हैं. ठीक है, अब इसमें देखें कि इतना सब कुछ अगर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हमारा लॉ क्या कह रहा है और कौन सा लॉ क्या कह रहा है. ठीक है, तो उसमें हम बस शॉर्ट में थोड़ा सा समझते हैं कि इस चीज़ के अगेंस्ट कौन सा एक्ट लग सकता है, कौन सा सेक्शन लग सकता है, बहुत शॉर्ट में. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम पहली चीज़ देखें तो आईपीसी का सेक्शन 354, आईपीसी जो कि आज की डेट पे भारतीय न्याय संहिता कहलाता है, बट क्योंकि ये पुराना केस है, पुरानी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडियन पीनल कोड ही अप्लाई होगा. भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल है. उससे पहले की सारी चीज़ों में आईपीसी ही यूज़ होगा, पुराने लॉज ही यूज़ होंगे. राइट, तो सेक्शन 344 क्या कहता है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी. ठीक है, इस केस में 1 साल तक की सज़ा, जो कि 5 साल तक भी इंक्रीज की जा सकती है विद फाइन, ये इस केस में पनिशमेंट है. एंड अगेन आईपीसी का एक और सेक्शन 154A विच इज सेक्शुअल हरासमेंट, उसके लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल तक की विद फाइन या फिर दोनों. इन ये तो हमें आईपीसी पता ही है, बट इन सब के अलावा और कौन से लॉज लग सकते हैं इस केस में वो हम देख लेते हैं. एक तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वर्क प्लेस फॉर द आर्टिस्ट, जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनका तो वर्क प्लेस है ये, तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के अंडर भी इस पे चार्जेस लगेंगे. उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर, बिकॉज ऑब्वियसली वो सब कुछ फिल्म किया गया एंड एवरीथिंग. उसके बाद पॉक्सो लगेगा विच इज़ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज इन केस कोई चाइल्ड आर्टिस्ट वहाँ इन्वॉल्व हो. इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट भी यहाँ पर अप्लाई हो सकता है. तो ये इन दो केसेस के बारे में था. नाउ द थर्ड डेवलपमेंट दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज द वक्फ अमेंडमेंट बिल. अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि भाई अमेंडमेंट आया, बहुत कंट्रोवर्शियल चल रहा था ये सब कुछ, बट अभी हम ये जान लेते कि इसमें क्या था, वक्फ क्या होता है, क्या ही चेंजेस प्रपोज किए गए हैं अभी के बिल में. ठीक है, तो यहाँ पर बिल इंट्रोड्यूस किया गया 8 अगस्त 2024 को, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट्स और वक्फ एक्ट 1995 को रिप्लेस करना चाहता है. ठीक है, यहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें देखी जाएंगी, उनमें क्या होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए, ये सब कुछ देखा जाएगा. अब वक्फ होता क्या है हमको ये देखना है. तो अब जैसे कि हमें पता है कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, अभी मुस्लिम लॉ के अंडर ये टर्म आता है कॉल्ड वक्फ. वक्फ बेसिकली कुछ नहीं है बट कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि चैरिटी के लिए या बेसिकली रिलीजियस पर्पस के लिए हम कोई प्रॉपर्टी उनको दे दें. लाइक कोई प्रॉपर्टी हम भगवान के नाम पे जब दे देते हैं, जो कि मोस्टली क्या बोलते हैं, मॉस्क के आसपास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो गई या कोई मस्जिद हो गया, वो सब मोस्टली वक्फ प्रॉपर्टीज ही होती हैं, जो कि कोई ना कोई उनके नाम पे, भगवान के नाम पे उनको दे जाता है, ऐसे टाइप का. तो दैट इज़ कॉल्ड वक्फ. उसके बाद द डोनर इज क्या कहलाता है वो, ठीक है. अब जो वक्फ है
या तो वो डीड के थ्रू ट्रांसफर की जा सकती है प्रॉपर्टी, या तो ओरली भी हो सकता है। अब क्या अमेंडमेंट्स आई, हम वो देख लेते हैं। इस बिल के थ्रू काफी सारे चेंजेस बोले गए हैं, ठीक है। पहली चीज जो कि अमेंडमेंट में लाई गई है, द पावर ऑफ गवर्निंग वर्क फ्रॉम द बोर्ड्स एंड ट्रिब्यूनल्स विच आर लार्जली रन बाय मुस्लिम कम्युनिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब वक्फ को गवर्न करता था पहले वक्फ बोर्ड एंड ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। अब वो चीज चेंज कर दी गई है और सेक्शंस लाए गए हैं, ठीक है। नो पर्सन शैल, अब इस बिल के अंडर जो पहला सेक्शन लाया गया है वो है सेक्शन 3A, जो कि कहता है दैट नो पर्सन शैल क्रिएट वक्फ अनलेस ही इज लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर और डेडिकेट सच प्रॉपर्टी। द प्रोविजन अपियर्स टू एड्रेस द अजम्पशन दैट द लैंड डज नॉट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल इज नॉट गिवन एज वक्फ। तो अब क्या हो रहा था, इन चीजों के लिए, इस वक्फ की वजह से काफी सारी प्रॉपर्टीज इलीगली भी यूज हो रही थी, ट्रांसफर होती रही, काफी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज भी, गवर्नमेंट लैंड्स भी, ठीक है। तो इस चीज को एंड करने के लिए इस बिल में ये सेक्शन ऐड किया गया जो कि ये कह रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ में नहीं दे सकता, पहली बात, अगर वो उसका लॉफुल ओनर नहीं है, यानी कि अगर उसकी इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की मैं लॉफुल ओनर नहीं हूं तो मैं वो एज अ वक्फ नहीं दे सकती, ठीक। उसके बाद सीधी चीज ये बोली गई है कि भाई जो इंसान उस प्रॉपर्टी का हकदार ही नहीं है वो कैसे किसी को वक्फ में वो प्रॉपर्टी दे सकता है, ठीक। उसके बाद आया है अगला सेक्शन जो हमको देखना है, एक सेकेंड, सेक्शन नंबर 3C1, ठीक है। इसमें क्या बोला गया वो देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्ड एज वर्क प्रॉपर्टी बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ वर्क प्रॉपर्टी अनलेस द इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय द कंडक्टर, सॉरी, कलेक्टर ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट प्लस रिपोर्ट, ठीक। एज पर द अर्लियर लॉ, इफ एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट टुक प्लेस इन रिलेशन टू द वक्फ प्रॉपर्टी द डिस्प्यूट वॉज अंडरटेकन बाय द वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड, बट नाउ द चेंजेस प्रपोज्ड इंक्लूड्स, ठीक है, मैं बताती हूँ। तो पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने एक चीज निकाली है कि अगर किसी को भी प्रॉपर्टी को, किसी प्रॉपर्टी को ऐसा वक्फ आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, और जितनी भी प्रॉपर्टीज वक्फ थी इस नए बिल के आने से पहले या इस बिल के अप्लाई हो जाने के बाद, वो पहली बात तो वक्फ कंसिडर नहीं करी जाएंगी, ठीक है। मतलब अभी तक की जितनी भी प्रॉपर्टीज वक्फ कहलाई जा रही हैं वो नहीं अब कहलाई जाएंगी वक्फ। तो वन ऑफ द रीजन कि इतनी कंट्रोवर्सी और इतना कलेश मचा है इस बिल के आने के वजह से, वो मेजर रीजन ये है, ठीक है, कि बहुत एंटी माइनॉरिटी और ये सब नाम दिया जा रहा है इस बिल को। बट हमको उस कंट्रोवर्सी में नहीं घुसना, हमको सिर्फ बात को समझना है कि बिल आया उसमें क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं और क्यों करे गए हैं, ठीक। तो पहले क्या होता था, जो पुराना वाला एक्ट था उसके अकॉर्डिंग जब भी आपको कोई भी वक्फ से रिलेटेड इश्यू क्रिएट होता था, कोई डिस्प्यूट होता था, तो उस चीज को देखने के लिए, टैकल करने के लिए, यहाँ पे वक्फ एंड वक्फ ट्राइब्यूनल बोर्ड हुआ करता था। अब इन्होंने क्या चेंज किया है कि अब जितने भी इश्यूज आएंगे इसके रिलेटेड वो सब उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होगा वो ही उन इश्यूज से डील करेगा अब। यानी कि ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड का किस्सा था वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर ये चला तो, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया कि किसी को भी हम तब तक ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे जब तक कि जो इंक्वायरी ये कलेक्टर कंडक्ट कर रहा है और वो इंक्वायरी करके एक प्रॉपर रिपोर्ट नहीं दिखा देता कि हाँ ये प्रॉपर्टी ठीक है, इसको हम वक्फ में कंसिडर कर सकते हैं,
तो तब तक वो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं मानी जाएगी। ठीक है, एक और सेक्शन है इससे रिलेटेड, इसमें भी सेम चीज बोली गई है कि कलेक्टर ही देखेगा, कि उसी के पास ये ज्यूरिसडिक्शन है कि वो प्रॉपर्टीज देखे, इंक्वायरी कंडक्ट करे, रिपोर्ट भेजे, तभी जाके वो प्रॉपर्टी को वक्फ माना जाएगा। ठीक है, अब एक कंसेप्ट था वक्फ बाय यूज का। तो मान लो कोई कंसेप्ट है, ठीक है, मान लो कोई प्रॉब्लम आया, कोई इशू अराइज हुआ, तो उसके केस में ये बोला गया कि हाँ जो प्रॉपर्टी है आप बताओ कि वो वक्फ है या नहीं। तो उसके लिए आपको वक्फनामा जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, वक्फनामा प्रोवाइड करना पड़ता है जो कि ऐसा प्रूफ यूज किया जाता है कि हाँ भाई ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है और उसको उस वे में यूज किया जा सकता है। ठीक है, बट इन केस वहां पे कभी एब्सेंस होती थी उस वक्फनामा की, तो पहले क्या किया जाता था, उसको तब भी प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता था इस फैक्ट को मद्देनजर रखते कि हाँ भाई बहुत सालों से कॉन्टिन्यूसली ये जो प्रॉपर्टी है वो रिलीजियस पर्पस के लिए ही यूज हो रही है। ठीक है, पहले ये होता था। अभी आगे हम देखें कि क्या नया चेंज इस बिल के थ्रू लाया गया है। अभी करंट सिचुएशन में ये बोला गया है कि जो भी पहले ये कॉन्टिन्यूस यू नो वक्फ बाय यूज का कंसेप्ट था, अब उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है, और अब अगर आपके पास वक्फ नामा नहीं है तो ये प्रॉपर्टी एज अ वक्फ नहीं कंसिडर की जाएगी। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट बोर्ड ऑफ वक्फ फॉर बोहाराज एंड अफखानीज, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिया सुन्नी बोरा एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये क्या कर रहा है, अभी तक तो एक ही वक्फ बोर्ड था, ट्रिब्यूनल था, अब इन सब के लिए अलग अलग बोर्ड ऑफ वक्फ क्रिएट करने की बात कर रहा है। तो मेन इस पूरे में इतना ही था। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट लीगल डेवलपमेंट क्या थी। तो ये मेन आपके लिए था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या था, वक्फ होता क्या है, चेंजेस क्या क्या आए, और पहले उसमें कौन सी बेसिक चीजें थी जो अब ये रिमूव कर रहे हैं, और क्यों ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो केस है राइट टू बी फॉरगॉटन का केस, जिसमें केस का नाम है जोरावर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलो, अभी हमने राइट टू लाइफ सुना है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट सुना है, सब कुछ सुना है। नाउ द वन थिंग इज दैट आर्टिकल 21 की एप्लीकेबिलिटी, आर्टिकल 21 बहुत ही वाइड है। ठीक है, अब इसमें इंक्लूड किया गया इस केस के थ्रू राइट टू बी फॉरगॉटन। ठीक है, अब ये केस है पुराना थोड़ा, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो जोरावर सिंह था इसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी, उसके थोड़े टाइम बाद इसका जो केस था वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया। अब लाइमलाइट में आने की वजह से हर जगह पे जोरावर के केस के चर्चे चल रहे थे, पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इसको लेके ऑलरेडी काफ़ी गलत चीज़ें थी। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई, केस चला, इन द एंड कोर्ट ने ये बोला कि जोरावर गिल्टी नहीं है। ठीक है, तो उसको एक्विट कर दिया, यहाँ पे ये चीज़ एंड हो जाती है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद जोरावर जो था ही वेंट आउट टू सीक जॉब। ठीक है, बट जैसे ही वो गया जॉब लेने के लिए एक इंटरव्यू पे, तो जनरली जब भी कोई इंटरव्यू कोई कंपनी आपको रखना चाहती है तो वो एक बहुत नॉर्मल सा बैकग्राउंड चेक करती हैं कि भाई ये बंदा ठीक है, कोई केस तो नहीं चल रहा, इज ही एलिजिबल एंड ऑल दैट।
तो उसमें उनको ये पता लगा कि भाई इसके अगेंस्ट तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही थी, क्योंकि जैसे ही उसका सर्च करो उसके बारे में कुछ देखो तो पहले यही न्यूज़ आ रही है, तो ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर आप एक कैंडिडेट हैं तो आपके अगेंस्ट ही जाएगा। तो इस केस में उसको फिर जॉब नहीं मिलती। तो इसमें जोरावर ने ये बोला कि ठीक है, आई वॉन्ट टू सीक द राइट टू बी फॉरगॉटन। जो भी केस था भाई, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट प्रूव हुआ हूँ, आई एम नॉट गिल्टी, सो आई डोंट वॉन्ट कि सोशल मीडिया पे मेरे बारे में ये सब इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अभी भी फ्लोट करें। तो इसके थ्रू हर जगह से इसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाती। अभी कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू फॉरगॉटन जो है वो प्रॉपरली डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस मस्ट बी डिसाइडेड कि कौन सी चीज़ है जिसको हम राइट टू बी फॉरगॉटन के अंडर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये था आपके लिए राइट टू बी फॉरगॉटन। अब हम अपना नेक्स्ट केस देख लेते हैं, विच इज मद्रास हाई कोर्ट का केस। तो इसके केस में देर इज वन थिंग नोन एज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पेरेंट पैटरी। इसका मतलब ये होता है कि जो कोर्ट है वो अपने आप को पेरेंट ऑफ द नेशन की तरह ट्रीट कर रहा है। अब इस केस में पहले तो ये बोला गया कि जो कि आइडल है वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है और उसके पास ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड करे, ठीक, और वो एक लीगल एक्शन भी ले सकता है अगेंस्ट समबडी। उसके बाद ये दो चीज़ें हैं, फिर ये है कि इन केस ये जो हमारा पेरेंट पैट्री ज्यूरिसडिक्शन है वो कोर्ट कब यूज़ करता है। इन केस कोई भी बंदा नहीं है केस लड़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्फिन है उसका केस लड़ना है एंड देर इज़ नो बडी टू टेक अप द केस एंड फाइट फॉर हिम। इन सच केस इफ द कोर्ट फील्स फिट तो वो ये ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई करके खुद ही उसमें पार्ट ले सकती हैं, जैसे कि वो पेरेंट हो उस इंसान का। ठीक, उस टाइम पे कोर्ट प्लेस द पार्ट ऑफ द गार्जियन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इस केस में मेन आपको एक ये नया चीज़ पता लगता है कि हाँ, मद्रास हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली पेरेंट पैट्री का ज्यूरिसडिक्शन फॉलो किया, एक्सरसाइज किया बेसिकली। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पतंजलि का जो केस था मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स का, उसके केस में अब प्रोसीडिंग्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें बस बहुत शॉर्ट में एक दो चीज़ें देख लेते हैं कि क्या हुआ, क्या बोला और किस बेसिस पर ये प्रोसीडिंग्स एंड हुई हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्लोज द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेद, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्णन, इन सब के अगेंस्ट अब बंद हो गया। ठीक है, रिलीफ दे दिया गया है पतंजलि आयुर्वेद को। तो उन्होंने ये बोला है कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी जाने देते हैं। पतंजलि ने जो अपॉलोजी दी थी वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, और मैटर को अब क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे बात ये भी देखो कि कोर्ट ने वार्न भी किया कि स्ट्रिक्टली अब तुमको अबाइड करना पड़ेगा बाय द टर्म्स ऑफ देयर अंडरटेकिंग, एडिंग दैट डिस ऑनर ऑनरिंग द टर्म्स ऑफ द अंडरटेकिंग विल बी व्यूड स्ट्रिक्टली एंड द एंसुइंग कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी इनडीड ग्रेव। ठीक, तो अपॉलोजी कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली, ये वाला केस यहाँ पे क्लोज हो गया। और किस बेसिस पे क्लोज हुआ कि भाई कोर्ट ने बोला अगर तुम फिर से ऐसी कोई भी गाइडलाइन को इन्फ्रिंज करोगे, फिर से कुछ इसके अगेंस्ट करोगे तो एक्शन स्ट्रिक्ट लिए जाएंगे, विच मीन्स अगर गिवन रूल्स के अंडर ही वो एड्स बनाएंगे, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स नहीं क्रिएट करेंगे तो दे विल बी ट्रबल फ्री। तो मेन आपको ये जानना था कि पतंजलि का केस यहाँ पे एंड हो जाता है, एंड पतंजलि के केस के साथ साथ अभी ये लीगल करंट अफेयर्स लीगल डेवलपमेंट्स का भी वीडियो एंड होता है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज सम हाउ अ लिटिल एटलीस्ट हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो कीप वॉचिंग सक्सेस मंत्रा। थैंक यू।